हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 48 हमें दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। एक आदमी है जो कि टावर पे खड़ा हुआ है 120 मीटर की ऊंचाई वाले पर, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दो कारें आ रही हैं जिनको वो देखता है। स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। जिन कारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार। तो बताओ उन कारों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये हमारा हो गया टावर जिसकी हाइट है 120 मीटर और ये हो गया हमारा रोड। इस रोड पर दो कारें हैं, ये हमारी पहली कार, इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व करता है इन कारों को। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस कार का, पहली कार का 60 डिग्री है, दूसरी का है 45 डिग्री। अब दूसरी कार मेरी यहाँ पर है, दूसरी कार ही है, अब इस कार को देखता है वो, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। क्लियर है, पहली वाले के साथ बनता है 60 डिग्री का, दूसरे के साथ बनता है 45 डिग्री का। तो इन दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो वो डिस्टेंस हमारा ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दोनों कारों के बीच का। इसे मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं वाई, ये हमारा टावर है। तो देखो ये 60 डिग्री के एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू 60 है, तो ये भी कितना होगा 60। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाए, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ये मेरा 45 तो 45 हो जाता है, 60 है तो 60 डिग्री हो जाता है। इन दोनों को मैंने मान लिया एक्स प्लस वाई। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ लिखा मैंने हाइट ऑफ टावर जो हमें दे रखी 120 मीटर, एंड मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट, इनको नाम दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। जो मेरी बी सी है वो एक्स है, सी डी है वो वाई है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, इन दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस वो कौन होगा, एक्स प्लस वाई। हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके दोनों को प्लस कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा हमारा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल नंबर वन ये हमारा ए सी बी, ये है 120 मीटर, एंगल है 60 डिग्री और ये है मेरा एक्स। इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें ए बी सी दो चीज़ों को देखना होता है, पहली क्या गिवन है, दूसरी क्या फाइंड करनी है। तो ये तो गिवन हो गया, ये हमें फाइंड करना है, तो बस इसी को लेना होगा हमें। ए सी परपेंडिकुलर, बी सी हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, थीटा जो यहाँ पर एंगल होता है टेन 60 डिग्री। ए सी हमारा 120, बी सी हमारा एक्स। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये टेबल कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें ताकि समझ में आ जाए टेबल कैसे बनी है। अब बात की जाए 1060 डिग्री की, कितना होता है 1060 डिग्री हमारा अंडर रूट 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को अंडर रूट 3 के साथ किया, 120 को 1 के साथ किया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अंडर रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो इसलिए इसको कर देंगे रैशनलाइज, अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया मेरा 3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3 4 12 0, ये आया मेरा 40 अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। आने के बाद जैसे मैंने ट्रायंगल फर्स्ट सॉल्व किया उसी तरीके से ट्रायंगल सेकंड सॉल्व करना हमें। ये हमारा ए सी डी, यह आया 45 डिग्री, ये वाई है और ये हमारा 120 मीटर है। मैंने देखा इनर ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी सेम वही दो चीज़ देखनी है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो ए सी अपॉन सी डी ये क्या बनाएगा हमारा 10 थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, ए सी 120, सी डी कितना है हमारा वाई। अब 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनका, वाई इज इक्वल टू आया 120 मीटर।
तो देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्यों हमें अंडर रूट थ्री की वैल्यू गिवन है, तो अंडर रूट थ्री की वैल्यू 1.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69.28 मीटर, ये मेरी वैल्यू आ गई x की। तो जैसा कि मैंने बताया था इन दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस वो कौन है x प्लस वाई, तो इन दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, जो मैंने माना था x प्लस वाई है, और x की वैल्यू मैंने निकाल ली 69.28 एंड 120, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 189.28 मीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी की तरह बिल्कुल सेम मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए नोट करा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना और इसे आपको सॉल्व करना। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को ऑलरेडी बना दिया है, ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा 45 एंड 30, और हाइट ऑफ टावर हमें दे रखा 100 मीटर। वही सेम ये एक्स है ये वाई है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 100√3 और वाई की वैल्यू आएगी 100, 100√3 की वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे 1.732 से, रिप्लेस करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सम करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 273.2 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।